आजकल जितनी बार घर की खिड़की से बाहर देखिए, नजारे कम और डर ज्यादा नजर आता है। घर से बाहर कदम रखते ही डर जैसे उंगली थामे चलता है। बाजार में साथ घूमता भी है और वापस लौटना भी चाहता है, लेकिन जैसे ही मेरी नजर दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर जाती है, आराम मिल जाता है और दिल से एक प्यारी सी आवाज आती है कि आ गया मैं अपने घर में। किसी भी चीज को, भले ही वो रिश्ता हो, लोग हो, कोई तोहफा हो या फिर घर, जैसे ही उनके साथ अपना या मेरा वर्ड जुड़ जाता है ना, तो लगता है कोई सपना पूरा हो गया। क्योंकि अपनों के साथ कभी कोई पाबंदी नहीं होती, कोई डर नहीं होता, सिर्फ होता है एक अपनापन। हम बाहर की दुनिया में कितना ही क्यों ना घबरा जाएं, पर अपने घर में आजाद परिंदे की तरह होते हैं। जो चाहे कर लें, जहां चाहे घूम लें, सो जाएं या फिर बैठे रहें। कहते हैं कि घर से रिश्ते बनते हैं। इन माय केस मेरा रिश्ता घर की वजह से ही बना है। हमारी शादी के लिए जो सबसे जरूरी शर्त रखी गई थी वो थी पहले अपना घर खरीद लो। और अपना घर हो जाने की खबर जब लखनऊ में बैठी मैंने अपनी मॉम को सुनाई, तो जमाने बाद उनकी आवाज में जो चैन था और जो खुशी थी वो किसी गिफ्ट के मिलने की तरह ही थी। See, I had moved from hostel to hostel, rented room to rented room, but mom used to keep saying घर ultimate security और gift होता है। इसको मिलने के बाद तुम आजाद होते हो सब कुछ करने के लिए। It is the member of your house which is always there for you, a unique gift जो मुझे भी मिली थी। पर अब मैं ये गिफ्ट उन्हें भी देना चाहता था जिन्होंने जिंदगी भर अपने बेटे को अपना घर होने का मतलब समझाया। My mom had saved some money and along with me she bought a home in Lotha Belmondo। Lotha Belmondo की घर की चाबी जब मॉम ने अपने हाथों में ली तो उनके चेहरे पर वही खुशी और आजादी थी। क्लब हाउस में we sat like kings। गोल्फ कोर्स के साइड पर we went for a long walk। She took a picture next to the door which has her name on it। और उनके चेहरे पर थी बड़ी सी मुस्कुराहट। आज भी उस तस्वीर को देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। किसी ने सच ही कहा है, आजादी का जश्न वैसे तो हर जगह मनाया जाता है, पर आजाद तो अपने घर में ही महसूस करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Happy Independence Day. We love to share stories because they are the true freedom that your mind needs. Freedom from all your worries, freedom from everything else. So, like, share and subscribe to the Commune India page for more stories like this one.